इंडिया दे इतिया नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट लगा रिजल्ट ऊपर बिशी हाला ओलाई गिना से नीट एक्सपीरियंस खान बिशी कंट्री लगा जगह अलग अलग टे प्रोटेस्ट करिए से और कंट्री लगा लीडर्स खान स्पेशली कांग्रेस पार्टी लगा लीडर्स खान प्राय टू मामला लगा ऊपर आवाज उठाए से नीट अंडर ग्रेजुएट लगा रिजल्ट कुंडो जून 14 डे उला बोली थगे से दो अचानक पर जून 4 डे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर रिलीज क्रुडिशे इदु दिन दे लोकसभा इलेक्शन लगा रिजल्ट पी उलाशे दो एग्जाम दे 2.4 मिलियन निशना कैंडिडेट्स टेस्ट दिशे कुंडो मे 5 डे लुशे इदु एग्जाम पर 1,8,940 MBBS seats निबिदे candidates can test दिशे. किंतु exam लगा result उला पिछिदे दिखी पाईशे के 100% score क्रिया candidates can 67 मनु थागिशे. आरो ताइकान सब All India rank 1 पाईशे. ताइकान मजुदे आत्ता students तो हरियाणा लगा एकता exam center पर ही उलाईशे. आरो ताइका लगा नाम एकता sequence ते ही थागिया पाईशे. इदु ओपोरे कैंडिडेट्स कुनबा 718 आरो 719 मार्क्स पि पाइशे कुनदो एग्जाम हिसाब ते कितेबी पाबुले ना पारबो फुल मार्क्स स्कोर कुरिगिना रैंक 1 पा 67 कैंडिडेट्स मजुरे जानि पाइशे कि 44 जुंदो एकता बेसिक फिजिक्स क्वेश्चन दो गलत जवाब दिशे कुनदो ताइकांगे एक्स्ट्रा मार्क्स दिशु कुशे NCERT class 12 textbook te galti thagya nimide National Testing Agency Noilibi NTA kun kan pra itu test sai ta kan kuishe ke itu sal candidates bishi hua nimide marks bishi pa candidates bi utishe 718 aur 719 marks pa kan de kuishe ke candidates kunwa jamla hua kane time na pa nimide ta kan ge grace marks di dia kuishe itia do paper leak hua laga mamla bi ulai ase जून 4 डे अचानक रिजल्ट उलाई दिया ऊपर एनटीए खुशी की ताइकान जुल्दी रिजल्ट दिया लगा कमिटमेंट था गया निमरी ऐसे इतिया हाई कोर्ट्स कान दिए दुईटा पेटिशन दिगी ना से के न्यू डेवलपमेंट अलायंस है देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार उनको बहुत बधाई लेकिन हमारे लिए अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश भर में जो नीट में धांधली हुई है और स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है और लगातार चाहे पहला कार्यकाल हो दूसरा कार्यकाल हो या तीसरा कार्यकाल हो इस देश में नौजवानों का भविष्य खतरे में है अंधकार में है तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों पर जल्द से जल्द जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे 30 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं उनको भरने का काम करेंगे और बार बार जो पेपर लीक हो रहा है प्रश्न पत्र लीक हो रहा है उस पर कोई ठोस कानून बनाया जाएगा और बड़े पैमाने पर देश में जो बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा उस पर जो है कोई नई नीति लाई जाएगी लोगों को रोजगार दिया जाएगा और अभी जो तुरंत का मामला है आपने देखा होगा कि नीट एग्जाम के रिजल्ट के बाद कई स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है एक घंटे में 2 से ज़्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं तो ये एक युवा देश के लिए भारत दुनिया का सबसे युवा देश है सबसे चिंता की बात है प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं उनको बधाई लेकिन वो युवाओं और विद्यार्थियों के सपनों को जो आज तोड़ा जा रहा है जिस तरीके से उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर कोई कार्रवाई की हम उम्मीद राहुल जी के लिए क्या कहेंगे क्योंकि आपके कई सांसद जो है वो ये कह रहे हैं कि अब उन्हें नेता विपक्ष का जो है वो संभालना चाहिए पर अच्छा वो तो मीटिंग है सीपीपी की मीटिंग में तय किया जाएगा सांसदों ने मांग रखी है आप क्या सोचते हैं कि उनको अब जिम्मेदारी पार्टी को एक प्रक्रिया के तहत पार्टी चलती है और चलना भी चाहिए met and they perused all the details of the centers of the CCTV and they found that sometime center wise there is a different like time was lost and they should be compensated for the marks and there was a Supreme Court judgment in 2018 in CLAT case ki if there is a this type of grievance ki time loss hota hai to there is a formula and on that basis
compensation can be given. So the committee thought ki this is the way we can like address the grievances. So during this grievances, the their marks have been like increased, and due to that some students, the concerns which have come to the media is because of the certain candidates have got marks which are like they have come in the top 6 candidates have come in the top 2 candidates have 718 and 719 marks. So that is how the issue came, how candidate can get 718 and 719. So it is not because the number of questions other plus 4 minus 1, but because of the scale formula the numbers can be 718 and 719 also. So we have analyzed all the things and transparently, and then declared the result. So this was, and this problem was happened like out of 4,750 centers, it was limited to few 6 centers, and out of like 24 lakhs, it was only 1,600. So the integrity, etc., of this exam throughout the country was not compromised. And one issue which was happened in Sawai Madhavpur, that because of wrong Hindi English distribution, we took the action immediately, and because by that time at every center candidates were inside, so the question paper in social media was I think around 4:28, 4:29 p.m. after the start of 2 hours 28 minutes later. So we said that there is no paper leak, and we reconducted the exam at that center with a different question paper, and it went smoothly. And then there were allegations from some other centers that there is a possibility of paper leak. So we all again analyzed our system and denied that report through the press release on 6th of May. So the whole exam process has been very transparent, and the integrity of the exam was not compromised at all, and categorically stated in our press release. So we assure all the student community that the exam has been done with full integrity. So this is a brief of the things. Thank you.